अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू ग्रीन गार्डन्स। मैं हूं आपका ग्रीन गार्डनर फैजी। आज के हमारा ये टॉपिक है कि हम अपने जो पॉट्स होते हैं, अपने बाउल्स होते हैं, उनके अंदर जब एक पौधा लगा देते हैं और जब उन्हें हम पौधे शिफ्ट करने लगते हैं तो अपने बाउल को रेनोवेट कैसे करते हैं, यानी कि उसे पेंट कैसे करते हैं, उसे नए कपड़े कैसे पहनाते हैं। जब आप गमलों को पेंट कर रहे होते हैं तो एक चीज़ जहन में रखें, पेंट दो तरह का होता है, एक ऑयल बेस्ड और एक वाटर बेस्ड। हमें पॉट्स को, गमलों को ऑयल बेस्ड पेंट कभी नहीं देना चाहिए, उसे हमेशा वाटर बेस्ड पेंट दें। जो ऑयल बेस्ड पेंट होता है वो उसके पॉट के पोर्स को बंद कर देता है, सील पैक कर देता है। तो इसका ये मतलब होता है कि पॉट की पानी एब्जॉर्ब और एवेपोरेट करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जबकि जो वाटर बेस्ड पेंट होते हैं उनसे इस एबिलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी हमने मिट्टी के गमलों को पेंट करना है तो हमने वाटर बेस्ड पेंट के साथ करना है। और जो वाटर बेस्ड पेंट होता है वो दो तरह का होता है, एक इंडोर जिसे डिस्टेम्पर कहते हैं और एक आउटडोर जिसे वेदर शीट कहते हैं। ये सिंटिक्स कंपनी का वेदर शीट है और ये इसका कलर कोड 4410 है और ये रेड ऑक्साइड है। तो हम ये यूज़ करेंगे। जो वेदर शीट होता है वो क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करने देता पेंट पे। जैसे हम डिस्टेम्पर करें, अगर बाहर करें डिस्टेम्पर तो वो अफेक्ट करेगा, उसे क्लाइमेट अफेक्ट करेगा, इसे क्लाइमेट बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता। हमारा पेंट करने का मकसद ये है कि जो जैसे फ्रेश जो पका हुआ गमला होता है मिट्टी का, जो उसका कलर होता है वो अफेक्ट आए गमले पे। किसी भी कंपनी का आप यूज़ करें, लेकिन वेदर शीट हो, मास्टर का कोई और होता है, इसका रेड ऑक्साइड है नाम, और किसी और कंपनी का कुछ और होगा, लेकिन आपने वेदर शीट यूज़ करना है और लुक ये आनी चाहिए जैसे कोई पका हुआ तैयार फ्रेश गमला है। तो इसको यूज़ करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप पेंट का डब्बा खोलें और उसके अंदर 40-50% पानी डालें। आप इतना हिसाब रखें कि वो इतना गाढ़ा भी ना हो और इतना पतला भी ना हो, इस तरह का हो। हाँ, पेंट करने से पहले एक चीज़ कि आप अपने गमले को अच्छी तरह से सैंड पेपर से साफ़ कर लें। अगर सैंड पेपर की ज़रूरत नहीं है तो आप कपड़ा भी मार सकते हैं और बस इसको पेंट को ऐसे करें। तो ये हमने अपना पेंट कर लिया, ये एक कोट कंप्लीट हो गया। इसी तरह ये हमने थोड़ी देर पहले किया था, ये सूख गया। तो अब देखिए इसका कितना फ्रेश कोट आ रहा है, कितने मज़े का इसका कलर आ रहा है। तो ये सूखने के बाद इस तरह का लगेगा। हमारा पेंट गमलों पे कंप्लीट हो चुका है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो
It will hopefully be tomorrow. So for now, stay happy, stay healthy, keep visiting green gardens. Let's grow happiness and happy gardening.